अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए एक फेसबुक पेज बना सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक अकाउंट आपके पास में है, उस अकाउंट के ज़रिए एक आप फेसबुक के ऊपर में आप अपना खुद का पेज कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, जिसके ऊपर में आप सिर्फ जो पोस्ट करेंगे वो उसी पेज पे जाएगा और उसके ऊपर में जितने भी फैन बेस आप बना सकते हैं बना लेंगे और उसके बाद में उसको चाहे तो आप बाद में मोनेटाइज भी कर सकते हैं उस फेसबुक पेज को। तो अभी इस वीडियो में तो मैं सिर्फ गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अपना फेसबुक ओपन कर लीजिए, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसमें आप पहले से ही लॉगिन होइएगा मुझे उम्मीद है। और आपको करना क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पे नज़र आएगा थ्री लाइंस, सिंपली आप थ्री लाइंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर के आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे पेजेस, योर पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे ना वो सारे के सारे पेजेस आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके, ये सर्च वाले बटन पर क्लिक करके, ये नहीं मैंने बैक किया, यहाँ पर आप सिंपली पेज सर्च कर सकते हैं। जैसे आप पेज सर्च कर लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे पेजेस डिस्कवर एंड कनेक्ट विथ बिजनेस दैट इंटरेस्ट यू, इसके ऊपर में क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, आपको सारे के सारे पेजेस जो है आपको नज़र आने लगेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यानी ये तो हो गया, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो दोनों तरीका आपके पास में है, आप कैसे भी आइए, सिंपली आप थ्री लाइंस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आकर के योर पेजेस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको नज़र आएगा यहाँ पर क्रिएट, सिंपली आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जो है आपको बता देगा कि क्रिएट योर पेज, तो आप यहाँ से अपने लिए पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे देता रहेगा, जब तक आप इस ऊपर में वेट कीजिएगा तब तक आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको देता रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा गेट स्टार्टेड, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू नेम दिस पेज, जो आप पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक कटिंग डेमो। नाम टाइप करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको नज़र आएगा नेक्स्ट बटन, सिंपली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको पूछेगा कि व्हाट कैटेगरी बेस्ड डिस्क्राइब्स दिस पेज, जो आप पेज बना रहे हैं वो किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि डिजिटली मैं कई सारी चीज़ें जो है क्रिएट करता रहता हूँ, मैं डिजिटल क्रिएटर यहाँ पे डाल देता हूँ। या फिर आप जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको जो भी सूट करता है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, तो आप कोई आर्टिस्ट है तो वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली डिजिटल क्रिएटर जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कैटेगरी चूज़ किया है जो है डिजिटल क्रिएटर। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका बिजनेस जिस भी एड्रेस पे हो, अगर आप लोकली कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका शॉप वगैरह है, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बट मेरे पास में तो कोई लोकल है नहीं, मैं डिजिटली प्रोडक्ट्स जो है मतलब डिजिटली मैं सर्विसेज देता हूँ, लाइक कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्किप बटन पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से स्किप कर दूँगा। तो मैं सिंपली स्किप कर दिया। अभी यहाँ पे आपको बता रहा है ऐड इमेजेस टू दिस पेज, आप चाहे तो अभी इस पे इमेजेस जो है ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कवर फोटो हो चाहे वो प्रोफाइल फोटो हो। अभी मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप प्रोफाइल फोटो जो है वो ऐड कर सकते हैं और कवर फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, डन बटन पर आपको क्लिक करना है, तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अभी थोड़ी देर में ये आएगा। जैसे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, पेज क्रिएट होने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा लोड होने में, जैसा इंटरनेट कनेक्शन उसके हिसाब से, और थोड़ा बहुत ये टाइम भी ले लेता है। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा गेट पर्सनलाइज्ड एड रिकमेंडेशंस फॉर टेक कटिंग डेमो। तो यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इसको आप और भी चीज़ें इसको बता सकते हैं, और उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, आपको पर्सनलाइज्ड एड जो है वो रिकमेंड करेंगे टेक कटिंग डेमो के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पेज को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें कवर फोटो लगाना है, या फिर प्रोफाइल फोटो लगाना है, या फिर इसके यूज़र नेम को जो है वो अपना खुद का यूज़र नेम इंटर करना है, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अगर एक से नहीं होता तो मतलब दूसरे तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर में, तो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के ज़रिए, यानी जो भी वीडियोस आती रहेंगी उस प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी, उसके ज़रिए आपको सारी चीज़ें जो है पता चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है और उसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो फिर सिंपली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।